नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सप्ताह एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अक्सर हम लोग जो वीडियो बनाते रहते हैं वो मेडिकल एडमिशन की प्रोसेस के रिगार्डिंग वीडियोस होते हैं हमारे। कौन सी कंट्री में क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, कैसे एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस रहता है, वो सब के बारे में। लेकिन आज हम लोग जिस संदर्भ के अंदर वीडियो बनाने जा रहे हैं वो एक्चुअली कुछ अलग है, कुछ हटके है। आपको पता ही होगा पिछले कुछ दिनों से वैश्विक महामारी फैली हुई पूरे विश्व में। चाइना से शुरू हुआ था, उसके बाद इटली के अंदर, उसके बाद जर्मनी के अंदर, ईरान के अंदर, सब जगह पे फैलते फैलते अब इंडिया के अंदर भी उसका रूप देखने को मिल रहा है। तो आज का ये जो वीडियो है उसी संदर्भ में हम लोग बना रहे हैं। पर्टिकुलर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बच्चे इंडिया में ना होते हुए बाहर अदर कंट्रीज के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पे उनको प्रॉब्लम फेस ना हो, उसके लिए वीडियो बनाना चाह रहा है। और दूसरी बात, वहाँ से अगर वो रिटर्न आ रहे हैं इंडिया में तो उनको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो भी इसके अंदर हम लोग डिटेल में बताएंगे। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं कि ये जो वायरस है इसने अपना जो रूप दिखाया हुआ है इस बार, सब लोग डरे हुए हैं। हर एक कंट्री में, हर एक स्टेट में, हर एक शहर में, हर एक कस्बे में या विलेज के अंदर भी जाएंगे, इसकी ही बात है आजकल। रीज़न एक ही है, काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो चुकी है। एज ऑफ नाउ मोर देन 6,000 लोग की डेथ हो चुकी है पूरे विश्व के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। सो, अगर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे अपने वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, डे बाई डे अपने को न्यूज़ मिल रहा है, उससे पेरेंट्स को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। डे बाय डे न्यूज़ आ रहा है कि पर्टिकुलर कंट्री के अंदर पर्टिकुलर सिटी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। क्वारंटाइन दैट मीन्स वो सिटी के अंदर कुछ भीड़ एक हद तक इकट्ठा ना हो उसका ध्यान रखा जा रहा है। उसके लिए जो जो भीड़ वाले इलाके उसको बंद किया जा रहा है, वो चीज़ अब इंडिया में भी लागू होने शुरू हो चुकी है। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं, वो अवर हेल्थ प्रिकॉशन ओनली। गवर्नमेंट नहीं चाहती है कोई भी कंट्री की ये ज़्यादा से ज़्यादा फैले, इसको रोकने को पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन रोकने से पहले वो फैले नहीं, उसका भी ध्यान रखने का ज़रूरत है। अगर भीड़ भाड़ वाले एरिया में पब्लिक मिलती जुलती रहेगी तो फैलना तो बंद नहीं होने वाला है। तो उसको एक हद तक रोकने के लिए क्वारंटाइन जोन क्रिएट किया जा रहा है हर एक कंट्री के अंदर। कल ही हमारी यूक्रेन की कुछ स्टूडेंट से बात हुई, यूक्रेन के अंदर सिटीज़ को क्वारंटाइन कर दिया गया है। मीन्स उनको यूनिवर्सिटी अभी नहीं जाना है, उनको वहाँ पर हॉस्टल में रह के पढ़ाई करनी है। तो उस बच्चों को हमारी एडवाइस है कि जो भी 10 या 15 दिन आपका यूनिवर्सिटी बंद रहने वाला है, आपका फोकस आप पढ़ाई के ऊपर रखिए, यूनिवर्सिटी हॉस्टल के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यस, इन फ्यूचर ज़्यादा दिक्कत वाली परेशानी ना हो उसके लिए खाने पीने का जो सामान है या आपकी दैनिक ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसका प्रॉपरली स्टॉक का अरेंजमेंट करके रख ले। उसके बाद जो बात आती है पढ़ाई की, पढ़ाई के अंदर जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कुछ भी, किसी भी स्टूडेंट को, हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि इट्स अबाउट सोफ्तामो स्टूडेंट ओनली, अदर कंसल्टेंट की स्टूडेंट भी गए हुए और उनको भी कोई टाइप की हेल्प की ज़रूरत है, हम अपना पूरा प्रयत्न करेंगे आपको मदद करने के लिए, बिकॉज ऑफ द यू आर इंडियन पीपल। और ये बात इंडियन या अदर कंट्रीज़ की नहीं आती, यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात आती है। इट्स अबाउट ह्यूमन लाइफ। कोई भी कंट्री का कोई भी आदमी डेथ हो रहा है मीन्स एक गलत बात है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जहाँ पे अपने स्टूडेंट मेडिकल के पढ़ाई कर रहे हैं, इवन दूसरी स्ट्रीम के भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कोई भी हेल्प चाहिए, जो चाहिए वो एडवाइस हम लोग हमारे से बनता हुआ पूरा प्रयत्न करने को ट्राई करेंगे। दूसरी बात आती है कि इन फ्यूचर ये सिनेरियो भी क्रिएट हो सकता है कि आपको वहाँ से इंडिया रिटर्न आना पड़े। आज की डेट में जो इंडिया रिटर्न आ रहे हैं उनको कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस से पास होने की ज़रूरत है, तो वो खास ध्यान में रखने की ज़रूरत है आपको। आप जब इंडिया आने की बात कर रहे हो तो आपको एक ध्यान रखना है कि आपको टिकट जो आप बुक कर रहे हो वो या तो मुंबई या तो फिर दिल्ली का ही बुक कीजिएगा, क्योंकि ये दो ही सिटी ऐसी है जहाँ पर क्वारंटाइन जोन क्रिएट किया गया है। क्यों क्वारंटाइन जोन क्रिएट किया गया है? आप अदर कंट्री से यहाँ पे ट्रैवल करके आ रहे हो तो आपके अंदर वो बीमारी के लक्षण है कि नहीं है वो चेक करने के लिए आपको वहाँ पे पहले तो एक फॉर्म फिलअप करवा जाएगा, उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एक हॉस्पिटल के अंदर रखा जाएगा, और अगर आप कोई फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको होटल के अंदर अकोमोडेट करके वहाँ पे आपको क्वारंटाइन किया जाएगा और वहाँ पे 24 आवर्स आपके अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स को भी उससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अबाउट योर सेफ्टी ओनली।
बच्चा एक दिन लेट आएगा लेकिन वो प्रॉपर चेक होके आएगा वो बेटर है, क्योंकि उसी बीमारी आपको फैलने के चांसेस है, तो आपकी पूरी फैमिली की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को सपोर्ट करना आपको ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि इंडिया के अंदर भी कुछ भी सिटीज़ जो है अभी क्वारंटाइन किए जा रहे हैं, वहाँ पे क्वारंटाइन का अभी जो प्रोसेस हो रहा है उसमें उतना ही हो रहा है कि शॉपिंग मॉल है, स्विमिंग पूल है और यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स है उसमें छुट्टियाँ डिक्लेयर की जा रही है। सो ये जो 15 दिन आपके बच रहे हैं वो 15 दिन को मैक्सिमम यूटिलाइज करने को ट्राई कीजिए घर पे बैठ के या हॉस्टल में बैठ के। सो कोई भी चीज़ से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं आपको अगर लग रहे हैं तो उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, नज़दीकी जो भी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे जाके उसको ट्रीटमेंट चेक करवाइए। सी आप बोलेंगे नहीं वहाँ तक आपका ट्रीटमेंट होने वाला नहीं। कई बार क्या होता है किसी को ज़ुकाम हुआ है बोलेगा चलो यार मेरे को तो सर्दी ज़ुकाम ही हो रहा है ना, मे बी शायद वो कोरोना के लक्षण हो सकते हैं, तो खुद को जाके पहले चेक करवा लीजिए या कि आपके दूसरे फैमिली के मेम्बर्स उससे बचे रहे। ये चीज़ें फैलती बहुत जल्दी है। बीच में कुछ दिन पहले हमने एक चाइना के डॉक्टर का वीडियो देखा था, उसको कोरोना का इफेक्ट हो गया था, वो खुद डॉक्टर था, खुद मेडिसिन ले रहा था, सब खुद को प्रिवेंट कर रहा था, लेकिन उसने क्या किया था रूम के अंदर खुद को बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ द फैमिली हेल्थ। तो उसको अपनी फैमिली के हेल्थ की पड़ी हुई थी तो उसके लिए उसने ये एक्शन लिया। तो हम सब डॉक्टर नहीं है, अगर हमको कुछ भी लग रहा है कुछ भी दिक्कत लग रहा है डेफिनेटली डॉक्टर्स का कॉन्टेक्ट करना चाहिए, वी आर नॉट ए डॉक्टर। सो खुद से कोई घरगत्तू इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को जो लग रहा है कुछ भी लग रहा है डाउट चेक करवा लीजिए, और जो भी लग रहा है आपको अगर कि लग थोड़ा भी इफेक्ट लग रहा है उसमें तो उसका प्रॉपर इलाज करवाइए, क्योंकि ये चीज़ अगर आपने नहीं रोकी खुद के लिए तो आपकी फैमिली में दूसरों को भी ये चीज़ इफेक्ट करेगी। मे बी वो चीज़ें आपके पेरेंट्स को इफेक्ट कर सकती है, मे बी शायद वो चीज़ आपके बच्चे को इफेक्ट कर रही है। तो खुद को भी संभालना है, फैमिली को भी संभालना है, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी संभालना है, ये अपना अभी मोटो होना ज़रूरी है। ये एक वैश्विक महामारी है, इसको रोकना हम सबका काम है, उसके अंदर हम लोग को जो योगदान देना है, कोई काम करने नहीं जाना है अपने को कि किसी कोरोना वाले को पकड़ के आपको ले जाना हॉस्पिटल में, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ खुद को संभालिए, खुद को हाइजीनिक रखिए, अगर खुद में कुछ भी इफेक्ट लग रहा है खुद से इलाज करवाइए, यही ध्यान आपको रखना है। आप खुद को संभालेंगे ऑटोमेटिकली दूसरे लोग संभल जाएंगे। ये चीज़ें इंडिया के लिए भी लागू होती है, ये चीज़ें अब्रॉड के अंदर पढ़ रहे स्टूडेंट के लिए भी लागू होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ वाले वाले इलाके में जाने से खुद को बचाए, जितना होता है खुद को हाइजेनिक रखें, जितनी बार हो सकता है दिन में हाथ धोइए, डायरेक्टली कोई भी चीज़ को छूने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप खुद को हाइजीनिक नहीं रख रहे हो तो वहाँ पे आपको दिक्कत आनी ही आनी है, आपको भी आनी है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी ये चीज़ आनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, ध्यान रखिए, खुद को संभालिए, आपकी हेल्थ आपकी जिम्मेदारी है। टेक केयर, धन्यवाद।